नमस्कार, आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज टॉप 10। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबरों पर। 11 अप्रैल तक हल्की, पिछले तीन दिनों से राज्य में काल बैसाखी जनहित, तेज हवा, हल्की बारिश होने से तापमान में लगातार गिरावट देखी गई है। लोगों को भयंकर गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। पिछले दो दशकों में 5000 से अधिक माओवादी मारे गए, नक्सलियों ने 15 अप्रैल को बंद का आह्वान किया है। केंद्रीय समिति ने ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के लोगों से समर्थन देने की और 15 अप्रैल को बंद का आह्वान किया है। केजरीवाल और सोरेन से अलग हैं ममता, अधीर रंजन का टीएमसी प्रमुख पर निशाना। उन्होंने कहा कि बंगाल में जो मुद्दा है, जो घोटाले हुए हैं, ये कोर्ट के फैसले के बदौलत आम लोगों के सामने उजागर हुए हैं। आने वाले चुनाव में आपके सामने दो विकल्प, असम में रैली कर अमित शाह ने कांग्रेस पर बोला हमला। अब कोई पटाखा भी छोड़ दे तो विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। सीएम ने अपने भाषण में विपक्ष पर भी तीखे शब्दों की बौछार की। उन्होंने कहा कि पहले सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, अब सुरक्षा ऐसी है कि अब कोई पटाखा भी छोड़ दे तो बच नहीं सकता। अपने ही गढ़ में अखिलेश डिंपल के लिए चुनौती बना माय समीकरण। मोहन यादव के सहारे बीजेपी लगा रही बड़ी सेंध। घोसी लोकसभा सीट से कटा सांसद अतुल राय का टिकट, बसपा ने इस दिग्गज को घोषित किया प्रत्याशी। यह निर्णय सोमवार को गृहस्थ प्लाजा में बसपा की जोन स्तर की बैठक में लिया गया। इसी के साथ घोसी लोकसभा में जंग शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे पर बन गई एमवीए में सहमति। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा, प्रयास लगातार जारी है लेकिन हमें ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का एक ही मंत्र, जहां भी सत्ता पाओ खूब मलाई खाओ, चंद्रपुर में बोले पीएम मोदी। मितेंद्र सिंह बने मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के नए अध्यक्ष, विक्रांत भूरिया के पद से इस्तीफे की पेशकश के बाद पार्टी का फैसला। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।